अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल पेशावर मोटर्स। मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको टोयोटा प्रो बॉक्स, एक जापान इंपोर्टेड गाड़ी है और ये ऑटो ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलती है। इस गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, तकरीबन 9 सीटर 7 सीटर यानी ये गाड़ी है, जबकि आपको एक्स्ट्रा सामान कैरी करने के लिए भी इसके अंदर स्पेस मिल जाती है। अगर हम इसके इंजन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1500 सीसी आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जापानी यह मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त माइलेज देने वाली गाड़ी है और बड़ी गाड़ी है। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है, ज़्यादा पैसेंजर कैरी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए एक बिल्कुल आइडियल गाड़ी है। दोस्तों ये गाड़ी 2004 मॉडल है और ये सिंध रजिस्टर की गाड़ी है। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इंतहाई अच्छी कंडीशन में है। इसके गोडों वगैरह की बात की जाए तो गोडे आप लोगों के सामने हैं। गाड़ी के जो गोडे हैं वो 100% जेन्युइन है, क्योंकि ये एक नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, इसकी एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुई। बैटरी की हालत भी अच्छी है। बाकी अगर रिम टायर की बात की जाए तो टायर की हालत थोड़ी सी नॉर्मल है, पर आपको स्टील रिम मिल जाता है। गाड़ी के कलर की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको सिल्वर कलर में मिलती है बाहर से दोस्तों, जिसमें मामूली सी हल्की बुल्की टचिंग मौजूद हैं। बाकी पूरी गाड़ी जेन्युइन है। टिंटेड ग्लासेस आपको मिल जाती हैं, जबकि ये गाड़ी आप थ्रू आउट पेट्रोल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गाड़ी की अगर हम सीलों की बात करेंगे या इसके फर्श की बात की जाए तो ये 100% ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी में कोई ओवरऑल काम आपको बड़ा यानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी डिमांड और बाकी चीज़ों की बात की जाए तो दोस्तों ये डिटेल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। कराची इसका लोकेशन है। 1500 सीसी इंजन के साथ 4 मॉडल है, ऑटोमेटिक सिंध नंबर। 15 लाख रुपये इसकी डिमांड है। रबता नंबर आप लोगों को दोस्तों डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन से नंबर नोट करके इस गाड़ी को आसानी से अपना बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।